दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दिन रात एक कर देते हैं और अपने काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या फिर कुछ और काम। पर इन सभी चीजों के पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो होता है पैसा कमाना या कहें तो अमीर बनना। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में कुछ ऐसे अमीर भी एग्जिस्ट करते हैं जो बिना ज्यादा मेहनत के अचानक से अमीर बन गए? अगर नहीं पता तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें मैं आपको इन्हीं लोगों से रूबरू कराने वाला हूं। नंबर 10, रिचर्ड नाइल। दोस्तों क्या हो अगर आप अपने पैसे के चेंज कराने घूम रहे हो लेकिन किसी के भी पास उसके चेंज ना हो, और तो और आप जाकर एक चेंज के लिए एक लॉटरी टिकट खरीद ले, वो लॉटरी $10 मिलियन की हो, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? वेल आप भी शॉक रह जाएंगे। और ऐसा ही कुछ रिएक्शन था रिचर्ड नाइल का, जिन्होंने साल 2015 में अपने $100 के नोट को खुला कराने के लिए काफी मेहनत मशक्कत की, लेकिन इसके बाद भी किसी ने भी उन्हें चेंज नहीं दिया, जिसे तंग आकर रिचर्ड ने उन पैसों से एक लॉटरी का टिकट खरीद डाला ताकि उन्हें चेंज मिल जाए। खैर, उन्हें यह नहीं पता था कि इस नोट के चेंज से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। दरअसल उन्होंने जो लॉटरी की टिकट खरीदी थी, उन्हें वो लॉटरी का नंबर लग गया और उस लॉटरी का प्राइस था करीब $10 मिलियन, यानी 70 करोड़ रुपए। तब तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आदमी कितना किस्मत वाला होगा। नंबर 9, बर्थ ऑफ यूट्यूब। दोस्तों क्या आपको पता है कि यूट्यूब का आविष्कार भी एक साधारण से व्यक्ति ने किया था, ना कि गूगल ने, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसे गूगल ने बनाया है। वेल, ये बात साल 2005 की है, जब दो दोस्तों को एक काफी बड़ी वीडियो अपने दोस्त जावेद के साथ शेयर करनी थी, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होने के कारण वो वीडियोस को शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने यूट्यूब को बनाया था। पर एक साल बाद यूट्यूब काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और गूगल ने इसे $1.65 बिलियन में, यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया, जिसके बाद वो दोनों लड़के मालामाल हो गए। नंबर 8, केविन लेविस। आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रमोशन के लिए अंधा पैसा उड़ाते हैं और इन्हीं प्रमोशंस के कारण उनके ब्रांड्स की कीमत बढ़ जाती है। और ऐसा ही कुछ करने का इरादा अमेरिका के सिनसिनाटी शहर में मौजूद एक कैसीनो का था, और उन्होंने इसे अगस्त 2013 में किया भी। दरअसल उन्होंने $1 मिलियन, यानी कि 7 करोड़ से भी ज्यादा का गिव अवे रखा, मगर सिर्फ अपने कैसीनो के किसी रेगुलर मेंबर के लिए, जिससे उनके कैसीनो में रोजाना आने वालों की तादाद बढ़ गई और कैसीनो ओनर इससे काफी ज्यादा अमीर बन गया। फिर बारी आती है नाम को देने की, तो जो नाम निकल कर आता है वो नाम होता है केविन लेविस। और फिर केविन लेविस को घर पर कॉल कर जानकारी दी जाती है कि वो उस कैसीनो की तरफ से दिए गए गिव अवे के विजेता हैं। इसके बाद तो मानो केविन लेविस खुशी से फूले नहीं समाते, उनके आस पड़ोस में हल्ला मच जाता है। इसके बाद केविन लेविस को कैसीनो में बुलाकर वो $1 मिलियन का चेक दिया जाता है। पर अचानक से कुछ दिनों बाद केविन लेविस का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो पता चलता है कि वो केविन लेविस कोई और है जिसने ये इनाम जीता है। लेकिन कैसीनो का मालिक पहले वाले केविन लेविस से वो $1 मिलियन वापस नहीं मांगता और दूसरे को भी $1 मिलियन दे देता है। इसे कहते हैं किस्मत चबा उठना। नंबर 7, एडम स्टोन। एडम स्टोन की कहानी बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग है। असल में एडम स्टोन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन उन्हें आर्ट से कुछ ज्यादा ही लगाव था और इसी कारण से वो जगह जगह जाकर अपने घर के सजाने के लिए कुछ छोटी मोटी या कहें सस्ती पेंटिंग्स को खरीद कर अपने घर पर सजाते थे। फिर उन्होंने एक रोड साइड से पेंटिंग खरीदी जिसको उन्होंने अपने घर में काफी दिन तक सजा कर रखा, पर एक दिन वो पेंटिंग कील पर से नीचे गिरी और उससे इसका फ्रेम टूट गया, जिस कारण से एडम स्टोन ने उस बेकार फ्रेम को हटाया। और जब वो नया फ्रेम लगा रहे थे, उस दौरान उन्होंने उस पेंटिंग से कुछ ऐसा खोजा कि जिसे देख सभी चौंक उठे। दरअसल उन्होंने ये पेंटिंग के पीछे एक डॉक्यूमेंट को खोजा था जो कि 4 जुलाई 1776 में प्रिंट किया गया था। वो डॉक्यूमेंट कोई साधारण डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि अमेरिका की आजादी के दिन उस डॉक्यूमेंट को बनाया गया था और इसकी केवल 24 कॉपी ही पूरी दुनिया में मौजूद थी, जिसके बाद तो मानो इनकी किस्मत ही चमक गई। उसने उस डॉक्यूमेंट की कॉपी को बिड में लगा दिया, जिसमें बहुत सारे लोग ऑक्शन का हिस्सा बने और उस डॉक्यूमेंट को $24,20,000 यानी 17.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया और ये करोड़पति बन गए। नंबर 6, ग्लेंडा ब्लैकवेल। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ग्लेंडा ब्लैकवेल के बारे में, जो कि अमेरिका के कैरोलिना से बिलोंग करती थी और यह गरीब परिवार की महिला थी। गरीब होने के बावजूद भी इनके पति अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा लॉटरी के टिकट खरीदने में उड़ा दिया करते थे, जिससे इन्हें कभी कभी बहुत गुस्सा भी आया करता था। हालांकि ग्लेंडा ब्लैकवेल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, और तो और उनके पति ने कभी भी लॉटरी जीती ही नहीं थी, क्योंकि उनकी किस्मत ने उनका कभी साथ नहीं दिया। वो अपने पति को समझाती थी कि मेहनत का खून पसीना एक करके आता है और तुम इसे लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाने में उड़ा देते हो, ये बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन फिर एक दिन ग्लेंडा ने अपने पति को सबक सिखाने की सोची और ग्लेंडा ने उसके पति की महीने भर के मेहनत से की गई कमाई के पैसे से जाकर लॉटरी की टिकट खरीद डाली। लेकिन उसका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि उसके पैसे बर्बाद नहीं गए बल्कि वो लॉटरी जीत गई, और वो भी $1 मिलियन की, यानी करीब 7 करोड़ रुपए की।
और इस तरह से रातों रात एक मिडिल क्लास से अमीर बन गए। नंबर 5, गैरी डायल। गैरी डायल कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। लेकिन ये पॉपुलर होने से पहले एक साधारण इंसान हुआ करते थे, पर फिर इनके मन में एक आइडिया आया और उन्होंने नदी किनारे से पत्थरों को उठाकर बेचना शुरू कर दिया, जिसे इन्होंने नाम दिया द पेट स्टोन। शुरुआत में जब इन्होंने इन पत्थरों को बेचना शुरू किया था, तब लोगों का कहना था कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और इसी कारण से ये पत्थरों को सीधा बाजार में बेच रहे हैं, जिसे कोई भी नहीं खरीद रहा था। मगर असल में ये उन पत्थरों को घोंसले में रख कर देते थे, जिस कारण से ये थोड़ा सा यूनिक तरीका था। पर फिर होना क्या था, इनका निराला अंदाज सभी को पसंद आने लगा और इन्होंने करीब अपने इस पत्थर बेचने वाले बिजनेस से 6 महीने में 108 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। नंबर 4, मैजिक ऑफ हैमर। ये बात एक माली की है जो अपने पेंशन के पैसों से अपने घर परिवार को चलाया करता था। लेकिन जब साल 1992 में ये अपने हथौड़े के साथ अपने बगीचे की फेंसिंग कर रहा था, उस दौरान उसके हाथ से हथौड़ी गिरी और बगीचे में कहीं खो गई। उसने उस हथौड़े को काफी ढूंढा लेकिन नहीं मिला। इसके बाद उसने मेटल डिटेक्टर मंगाया और हथौड़े को खोजने निकल गया, पर उसे नहीं पता था कि ये मेटल डिटेक्टर या कहें गुम हुई हथौड़ी उसकी किस्मत को चमका देगी। दरअसल उस मेटल डिटेक्टर से खोजने के दौरान उसे एक चांदी का सिक्का खोजा, लेकिन जब उसने उस जगह पर खुदाई की तो उसने उस जगह पर एंशियंट आर्टिफैक्ट्स को पाया, जिनकी कीमत अरबों में थी। लेकिन उसने ईमानदारी से इस बात को आर्कियोलॉजिस्ट को बता दिया, जिसके लिए उसे $50 मिलियन यानी 108 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया। नंबर 3, आई फार्ट ट्रैप। फार्ट का नाम सुनकर आपके मन में हंसी के बुलबुले छूट रहे होंगे, क्योंकि ये हंसने लायक बात ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी फार्ट को रिकॉर्ड करने वाली एप्लीकेशन बनाकर 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई कर गया, तो शायद आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल उस आदमी का नाम है जीविल खॉम, और उसने अपने इस आइडिया को कुछ इस तरह से फैलाया कि वो बिना समय गवाए करोड़पति बन गया। उसने आईफोन यूजर्स के लिए एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम था आई फार्ट ट्रैप। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने किसी भी फ्रेंड को फार्ट की रिकॉर्डिंग कर भेज सकते थे, वो भी करीब 26 अलग अलग भाषाओं में। लेकिन उसको अपने एप्पल स्टोर पर फ्री में नहीं रखा, बल्कि उसका चार्ज रखा ₹70, यानी कि अगर आपको इस एप्लीकेशन का उपयोग करना है तो आपको पहले ₹70 देने पड़ेंगे, इसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन को उपयोग कर पाएंगे। और इस तरह से उन्होंने इस एप्लीकेशन से करीब 3 से 4 करोड़ रुपए कमाए। नंबर 2, चार्ली आयर्स। चार्ली आयर्स की कहानी इस वीडियो की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। असल में शुरुआत में एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, जहां पर उन्हें हर साल भर में 57 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन वो इससे खुश नहीं थे, जिस कारण से उन्होंने वो काम छोड़ दिया और फिर उन्होंने एक टेक कंपनी को ज्वाइन किया। लेकिन वो जितना पैसा उस रेस्टोरेंट में काम करके कमा लेते थे, उन्हें उस टेक कंपनी में उससे आधा पैसा मिलता था। पर वो अपने काम से खुश थे और आज के समय ये काफी ज्यादा फेमस भी हैं, क्योंकि उन्होंने जिस टेक कंपनी में काम किया था, वो टेक कंपनी कोई और नहीं बल्कि गूगल है। पर अब आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने इस कंपनी को भी छोड़ दिया था, यानी कि गूगल को भी छोड़ दिया, क्योंकि चार्ली के स्टॉक की कीमत 182 करोड़ रुपए हो चुकी थी। यहाँ भले ही चार्ली की किस्मत काम ना करी हो, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। नंबर 1, क्रिस क्लार्क। दोस्तों शायद ये बात आपको पता होगी कि आप वेबसाइट के डोमेन नेम को खरीद सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं, लेकिन ये बात साल 1994 की है, जब लोगों को इस बारे में बहुत कम पता होता था। तब एक क्रिस क्लार्क नाम की एक लड़की ने करीब $20 में यानी ₹1400 में एक डोमेन नेम खरीदा था, जिसका नाम था pizza.com। इसे खरीदने के बाद उसे लगा कि उसने अपने पैसे इसमें फंसा दिए, पर वो उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि आने वाले अगले कुछ सालों में यानी कि 16 साल बाद 2008 में इस लड़की ने इस डोमेन को $2.6 मिलियन यानी 19 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में बेचा और ये करोड़पति बन गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।